फतेहगढ़ जिले के फूलपुर पवई से सपा विधायक रमाकांत यादव को फतेहगढ़ पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया। सपा विधायक रमाकांत यादव ने वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ पर फौजदार पासवान के साथ मारपीट व गाली गलौज किया था, जिसमें उनके खिलाफ SC ST के तहत केस दर्ज था। हाई कोर्ट से स्टे समाप्त होने के बाद विधायक रमाकांत यादव ने कोर्ट में सरेंडर किया था। उसी दौरान पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। उसके बाद एक के बाद एक कई मुकदमे उनके ऊपर लगे। माहौल में जहरीली शराब कांड में भी पुलिस ने विवेचना के दौरान विधायक रमाकांत यादव को नामजद किया है। उस मुकदमे भी रमाकांत यादव आरोपी हैं। सुरक्षा के मद्देनजर रमाकांत यादव को आजमगढ़ जेल से फतेहगढ़ सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया था। वहीं से पुलिस ने आज SC ST मुकदमे में बयान दर्ज कराने के लिए भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाई थी। रमाकांत यादव के वकील आद्या प्रसाद दुबे ने बताया कि रमाकांत यादव को बयान दर्ज हो गया है। अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। सराय भीड़ हरिजन बनाम सवर एक मुकदमा है, उसमें 313 CRPC की कार्यवाही हुई। मुलजिम बयान और मुलजिम को सुहाई देने का जो अवसर मिलता है उसी के लिए अतिरिक्त थी। क्या निर्णय लिया गया आप? नहीं, स्टेटमेंट हो गया 313 CRPC का, 29 तारीख पड़ी है सफाई देने के लिए। निर्णय तो अभी आर्गुमेंट के बाद हुआ। सुलहनामा क्या पेश हुआ है क्या? नो, सुलहनामा नहीं है, कंटेस्टेड है।